जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया मोदी जी को और बाकी आरोपियों को, आपको कैसे महसूस हो रहा है? आप उस वक्त एक एमएलए थे। देखिए, सबसे पहले क्लीन चिट नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतार कर सहन कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बारा है, चमकता हुआ बारा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है, और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। ये अभी जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं वो मैं 2003 में भी गुजरात के गृहमंत्री के नाते कर सकता था, पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी कहते, क्योंकि परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं है, फैक्ट था। परंतु संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसको सहन करते रहे। मैंने आपसे भी पूछा ये सवाल, मैंने मोदी जी से भी पूछा और आप दोनों यही कहते थे कि न्यायिक प्रक्रिया चालू है इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आपने भी यही कहा और मोदी जी ने भी यही कहा। 19 साल हो गए हैं, तो 19 साल में आप इधर उधर की बातें करते थे, पूरा आप डिटेल में नहीं जाते थे, अब आप क्या बता सकते हैं कि क्या हुआ उन दिनों में? सबसे पहले 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया, और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था, टू कीप द पॉट बॉइलिंग कहा, हाँ, वेस्टेड इंटरेस्ट। कौन थे वो आपके हिसाब से? नाम मैं बताता हूं बाद में। और तीसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है, और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वाले लोगों के सामने करा है। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था, देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे, हम कानून को कॉपरेट किए थे, मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। सिर्फ आरोप लगे थे क्या? दंगे हुए तो थे ना? आरोप क्या था? दंगे मोटिवेटेड थे, दंगों में राज्य सरकार का हाथ था, दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए, आरोप ये था। दंगे से कौन इनकार कर रहा है? देश में दंगे कई जगह पे हुए हैं। तो क्या उन दिनों में आप भी थे वहां पर, तो उन दिनों में क्या पुलिस जो है, जो कहते हैं कि पुलिस कुछ कर नहीं पाई, जो कुछ ऑफिशियल्स थे वो दे वर नॉट एबल टू डू मच, और बहुत से लोग कहते हैं कि वहां पॉलिटिकल जो व्यू था इस वजह से
ना तो पॉलिटिकल ना तो ब्यूरोक्रेसी ना ही पुलिस इतना कर पाई रोकने के लिए, दंगे रोकने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकुट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। पर उस वक्त तो आपकी सरकार दिल्ली में भी थी और आपकी सरकार गुजरात में भी थी, तो फिर मीडिया को या फिर उन लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग कैसे था? हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही, मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है, ना उस वक्त करा था ना आज कर रहे हैं। परंतु उस वक्त जो इकोसिस्टम बनी थी, वो इकोसिस्टम ने एक झूठ को, झूठ के पुलिंदे को इतना हवा बनाकर जनता के सामने खड़ा कर दिया कि इसकी इन्फ्लुएंस में सभी लोग थे, शायद कोर्टे भी होगी। अगर सत्य था तो फिर एसआईटी की क्या जरूरत थी? एसआईटी में, आज मैं आपको सत्य बताता हूं, एसआईटी का ऑर्डर कोर्ट का नहीं था। एक एनजीओ ने एसआईटी की मांग करी, कोर्ट ने फॉर सेक ऑफ आस्किंग हमारे लॉयर को पूछा, हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। लंच ओवर के बाद फिर से कोर्ट बैठी, हमें, हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं, तो एसआईटी बने, हमें क्या आपत्ति है। इट वॉज कंसेंटेड डिसीजन, गुजरात सरकार की रिकॉर्ड पर कंसेंट है, कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है कि एनजीओ की मांग थी, गुजरात सरकार ने कंसेंट दी। हम बहस कर सकते थे मगर क्यों करें, क्योंकि हमें कुछ छिपाना ही नहीं था। आज जब जजमेंट आया है तब तय हो गया है कि जजमेंट में लिखा हुआ नाम मैं बोलता हूं, एक पुलिस अफसर का नाम दिया है, एक एनजीओ का नाम दिया है और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नाम दिया है। ये तीनों ने मिलकर जजमेंट के अंदर ये स्पष्ट कर दिया है कि सनसनी खड़ी करने के लिए झूठ बातों को फैलाया गया, झूठ बातों को आगे बढ़ाया गया और झूठे सबूत घड़े गए। एसआईटी को जो जब जवाब लिखवा रहे थे तब भी उनको मालूम था कि ये झूठा जवाब है, जिसको एसआईटी ने भी बाद में कोर्ट के सामने रखा कि ये झूठे जवाब थे और वो जानते थे कि झूठे। आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक प्रयास किए। कोर्ट ने यह तय कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार बार शांति की अपील की थी। कोर्ट ने यह तय किया घटनाएं सूद, मतलब ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे, ये भी कोर्ट ने आज जजमेंट में कह दिया। और तहलका द्वारा किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया तब मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सेना को बुलाया नहीं गया इतनी देर तक, 3 दिन नहीं बुलाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर वाज नो डिले, लेकिन क्या सेना, अगर आप उस वक्त होम मिनिस्टर होते, गृह मंत्री होते, तो क्या आप सेना को बुलाते नहीं जल्दी? नहीं, जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफी नहीं करी थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ उसी दोपहर को हमने सेना को बुला लिया था। सेना को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, आप हमारा हिसाब मांगती है, मांगना भी चाहिए, मुझे जवाब भी देना चाहिए, परंतु मैं क्लियर कर दूं, जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, एक दिन की भी देरी नहीं की है, रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है, कोर्ट ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। परंतु दिल्ली में सेना का मुख्यालय है, दिल्ली में इतनी सेना है, जब इतने सारे सिख भाइयों बहनों को मार दिया, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, कितनी एसआईटी बनी, हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी, कितनी अरेस्ट हुई, इतने सालों तक सिख नरसंहार में विपक्ष की सरकारें रही, कभी अरेस्ट नहीं हुई, और वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं पार्शियलिटी के।
आप और मोदी जी दोनों कहते हैं कि इट वाज अ टैक्टिक या फिर कह दीजिए कंस्पिरेसी कि गुजरात को एक बुरा नाम देने के लिए कि ये एक दंगाई प्रदेश है और बीजेपी जो है एक दंगाई पार्टी है और गुजरात 2002 के बाद वो टैग लग गया, क्या आप मानते? मैं और मोदी जी नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहते कि हम पर टैग लगाने का झूठा प्रयास किया। अब सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि झूठा टैग लगाने का प्रयास किया। आप लोकतंत्र में संविधान को भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। पॉलिटिकल स्टेटमेंट सच्चे या सुप्रीम कोर्ट का सब एविडेंस अप्रिशिएट कर लिया गया फैसला सच्चा, ये देश की जनता ने तय करना पड़ेगा, आप जैसे पत्रकारों ने भी तय करना पड़ेगा। और अगर ये मत बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का अप्रिशिएट हुआ एविडेंस अप्रिशिएट करने के बाद दिया गया फैसला सच्चा है, तो अब क्वेश्चन उठाने चाहिए, पत्रकारों की जिम्मेदारी है जिन्होंने आरोप लगाए थे उनके ऊपर, पूछना चाहिए उनको कि क्या आधार था ये आरोप का, और आधार था तो क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में। आपने एनजीओज का जिक्र किया, कौन से एनजीओज हैं, क्या किया उन्होंने? देखिए मैंने बहुत हरीडली जजमेंट को पढ़ा है, मगर इसमें तीस्ता सेटलवर्ड का नाम बहुत स्पष्ट दिया है। तीस्ता सेटलवर्ड की एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी थी और मीडिया का दबाव इतना था कि सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया गया। मीडिया और एनजीओस का एक नेक्सस था, आप कह रहे हैं इन दोनों ने मिलकर 20 साल तक चलाया ये पूरा? ना 20 साल नहीं चला, 2002 अब 2022। स्मिता बहन, सबसे बड़ी बात तो जनादेश होता है और जनता सब देखती है। 130 करोड़ लोगों के 260 करोड़ आंख होती है, 260 करोड़ कान होते हैं, सब देखती है, सब सुनती है। हम कभी चुनाव नहीं हारे, जनमानस ने, जनता ने कभी भी ये आरोप को स्वीकारा नहीं। मीडिया, एनजीओ और हमारी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी आरोपों को चलाते गई। एक चला दिया कि सीडी के बारे में, सीडी लेकर राहुल शर्मा चले गए, वहां पर नोटिंग है, नोटिंग साइड पर रोज काम है, उसने अपने रिकॉर्ड में रखा है, कोई कानून को नहीं तोड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकृत किया है। बहुत से लोगों का मानना है कि SIT इन्फ्लुएंस हुई थी, बीजेपी का दबाव था SIT के ऊपर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ और ही कहा है अभी, लेकिन इतने साल तक जब इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे तो उस टाइम सालों साल डिले करते गए, तो इस देखिए SIT की रचना हमने नहीं करी थी, देश की सर्वोच्च अदालत ने करी थी। अफसर का चयन भी हमने नहीं करा था, देश की सर्वोच्च अदालत ने एनजीओ को सुनने के बाद करा था। और जो अफसर रखे गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के रूल स्टेट से नहीं लिए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए गए थे और तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बदल चुकी थी, UPA की आ चुकी थी, तो SIT इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी, जरा भी इन्फ्लुएंस नहीं हुई। और कोर्ट मॉनिटरिंग केस था, कैसे इन्फ्लुएंस होती? इतने महंगे महंगे लॉयर एनजीओ की ओर से अपीयर होते थे, जैसे जाकिया जाफरी कहती थी, जो आप महंगे लॉयर्स की बात कर रहे हैं कि आपकी तरफ के जो लॉयर्स थे वो बहुत हेविली पेड थे, उनकी तरफ से नहीं थे SIT के लॉयर्स जो थे, हमारी ओर से हमारे लॉ ऑफिसर ही थे और कोई नहीं था। हाँ, उनको बहुत, लॉ ऑफिसर को इतना पैसा नहीं मिलता है, आप जानती हो इसके पेमेंट का एक सिस्टम होता है, इसका रेट शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, मगर उनकी फीस तय होती है। और कई सारे इतने गलत बातें कि फायरिंग में सिर्फ मुसलमान मारे गए, कोर्ट ने आज ये भी नकार दिया कि ऐसा नहीं हुआ है, फायरिंग में मुसलमान नहीं मारे गए, लेकिन दंगों में तो मुसलमान मारे गए ना। देखिए स्मिता जी, एक बात आप समझ कर चलिए, जिस तरह से 60 लोगों को जिंदा जला दिया था उसका समाज में आक्रोश था, और जब तक दंगे नहीं हुए तब तक किसी ने इसका क्रिटिसिज्म भी नहीं किया, एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी का एक भी स्टेटमेंट, पार्लियामेंट चल रही थी उस दिन, किसी ने दुख भी व्यक्त नहीं किया।
कि 60 लोगों को जिंदा जलाने की घटना का आप भर्त्सना भी नहीं करोगे, निंदा भी नहीं करोगे? इतनी बड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी? आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाखिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए, विक्टिम को मालूम ही नहीं है। आपके हिसाब से किसने किया, क्यों किया जाखिया जाफरी के? सब जानते हैं ना कि तीसा सितलवाड जी की एनजीओ ये सब कर रही थी, केवल और केवल। और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीसा सितलवाड की एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है, सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। गुजरात में तो आपकी सरकार थी इतने साल। गुजरात में हमारी सरकार थी, मगर जो एनजीओ थे उसको भारत सरकार ने मदद करी है, सब जानते हैं। और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया, उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया है। मगर सत्य को कुछ नहीं होता है। ये लंबी लड़ाई मोदी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सारी वेदनाओं को, वो विष को हजम करते हुए लड़े और आज चमकते सूर्य की तरह सत्य बाहर आए हैं, मोदी जी जीत कर बाहर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दंगों का कोई आरोप नहीं रहता। और मैं पूछना चाहता हूं, जो हम पर लगाते हैं उनके शासन जहां जा रहे हैं वहां दंगे नहीं हुए हैं क्या? उत्तर प्रदेश का वो इतिहास उठाकर देख लीजिए। पर कभी लेबल नहीं लगा किसी पर? लेबल लगाया नहीं आप लोगों ने, लेबल हमने थोड़ी ना लगाया है, लेबल फैक्ट के आधार पर थोड़ी ना लगाया है। आप भी नहीं लगा पाए एज अ पॉलिटिकल पार्टी? हम करते ही नहीं, हम करना भी नहीं चाहते, हम क्यों किसी पर लगाए लेबल? दंगों का पॉलिटिकल उपयोग करना ही नहीं चाहिए। गुजरात में जब भी इन्वेस्टमेंट समिट होता था हर अखबारों में दंगों पर आर्टिकल आ जाते थे, 10 साल तक 12 साल तक कंटिन्यूअस आए। मोदी जी जब भी विदेश जाते थे उनको एम्ब्रेस करने के लिए विदेश के अखबारों में आर्टिकल छपाए गए। एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए कैसा हो सकता है? मुझे तो लगता है आप जैसे व्यक्तियों ने थीसिस लिखना चाहिए कि वीसीएट कैंपेन कैसा होता है, ये कैंपेन चलाने वालों से सीखिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट इतना अहम क्यों है पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए? मतलब आप जब इतिहास लिखेंगे आपकी पार्टी के लिए तो 20 साल बाद, क्योंकि आज का जो युवा है वो तो जानता भी नहीं शायद 2002 में हुआ क्या, क्योंकि ये 20 साल पुरानी बात है। तो आज के युवा जब ये देखेंगे तो उस दिन क्या हुआ, उन 3 दिनों में क्या हुआ, क्या आपको अब कोई रिग्रेट्स हैं और अब आप क्या देखते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को? पहले एक बात समझ लीजिए, आज का युवा नहीं जानता है ऐसा आप कह सकते हो, इतिहास हजारों साल जिंदा रहता है और झूठे आरोप जो होते हैं उसका निरसन न्यायालय के माध्यम से होना बहुत जरूरी है। और इसलिए लंबी लड़ाई 18-19 साल लंबी लड़ाई मोदी जी भी लड़े हैं और सत्य ढूंढने वाले लोग भी लड़े हैं और आज विजयी होकर बाहर आए हैं। क्या इसलिए ये लड़ाई जरूरी थी? मतलब कि आप इतिहास जब लिख रहे हैं, इतिहास लिखने के लिए नहीं, किसी भी झूठ के सामने लड़ाई करना निहायत जरूरी होता है, किसी भी अपप्रचार के सामने उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी होता है। इतिहास तो अपने आप बनते रहते हैं, दो बार 2/3 बहुमत से जितना ही इतिहास है, देश में GST डाल देना भी इतिहास है, देश के अंदर CDS बनाना भी इतिहास है, देश के पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करना भी इतिहास है, पहली बार एयर स्ट्राइक करना भी इतिहास है, पूरे दुनिया में भारत के गौरव को आसमान तक ले जाना भी इतिहास है। इतिहास की तो खैर बहुत सारी बातें हैं, परंतु झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और मोदी जी डट कर लड़े हैं, धैर्यपूर्वक लड़े हैं और आज विजयी होकर बाहर आए। पार्टी के लिए ये कितना सिग्निफिकेंट है पॉलिटिकली, मैं पूछ रही हूँ? बहुत सिग्निफिकेंट है, पॉलिटिकली कम, परंतु जिस प्रकार से मेरे पार्टी के सर्वोच्च नेता को विक्टिमाइज करने का प्रयास किया गया और आज कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, मैं मानता हूं ये जजमेंट
भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए, न केवल मोदी जी के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए। मोदी जी के लिए तो खैर आत्मसंतोष का विषय हो सकता है, हर कार्यकर्ता के लिए गौरव का विषय है कि आज जो झूठे आरोप हमारे सर्वोच्च नेतृत्व पर लगाए थे वो सारे खारिज हो गए। सर, गुजरात लेबोरेटरी ये एक टर्म बन गया था कि जो गुजरात में जो एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कि बिना मुसलमानों के सरकार हम बना सकते हैं, बिना मुसलमानों के वोट के हम सरकार बना सकते हैं, और अगर मुसलमान ज़रा सा इधर या उधर हो जाए, लाइन पे ना चले, तो दंगे करा सकते हैं। ये एक गुजरात एक्सपेरिमेंट और गुजरात लेबोरेटरी करके जो अपोजिशन पार्टीज़ कहते हैं कि बीजेपी जो है ये इसको एक पॉलिटिकल साइंस बना दिया है उन्होंने, और वो हर राज्य में इस्तेमाल करती है। देखिए, अब जैसा जिस कलर के ग्लास का चश्मा पहनेगी ऐसा दिखाई पड़ेगा, पीले पहनेगी तो पीला दिखाई पड़ेगा, काले पहनेगी तो काला दिखाई पड़ेगा, ये देखने का नजरिया है। गुजरात मॉडल जरूर बना है। देश में हमने सबसे पहले 24 घंटा बिजली हर गांव में पहुंचाने का काम किया, वो एक मॉडल है। देश के अंदर 12 साल के अंदर जीरो ड्रॉपआउट रेशियो, लगभग जीरो ड्रॉपआउट रेशियो, और 99% से ज़्यादा एनरोलमेंट किया बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, वो भी मॉडल है। गुजरात के ट्राइबल एरिया के वन बंधु कल्याण योजना लेकर आए, वो भी मॉडल है। 10% ग्रोथ रेट के साथ 12 साल तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमने अचीव किया है, वो भी एक मॉडल है। ढेर सारे मॉडल है, हाईवे से लेकर ग्रामीण विकास से लेकर अर्बन डेवलपमेंट तक। हमारे अर्बन डेवलपमेंट के एक्ट भी मॉडल है। जहां तक दंगों का सवाल आप कर रही है, आप एक बात समझ लीजिए, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार है स्मिता बहन, आप कांग्रेस के शासन के जो आपको ठीक लगे वो 5 साल, और भारतीय जनता पार्टी के शासन से जो आपको ठीक लगे वो 5 साल ले लो। कितने घंटे कर्फ्यू रहा, कितने लोग मारे गए, कितने दंगे हुए, और दंगे का ड्यूरेशन क्या था, कंपैरिजन कर लीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि दंगे किसके शासन में ज्यादा हुए। और दूसरी बात, ये दंगा होने का मूल कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। 60 लोगों को, 16 दिन की बच्ची को मां की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। इसके कारण दंगे हुए थे, और आगे जो दंगे हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ, दंगों में कन्वर्ट कर दिया गया। जब वो गोधरा से बॉडीज लेके गए थे अंतिम संस्कार के लिए, तब आपको लगा था कि ये देर विल बी अ ब्लोबैक, मतलब कि कोई प्रतिक्रिया होगी? देखिए, उस वक्त किसी को सोचने की सुधबुद ही नहीं थी, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि जो 59 लोग मारे गए हैं इनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार भी न करने देना, और कोई प्रोफेशनल इनपुट ऐसा नहीं था कि भाई इतनी बड़ी मात्रा में रिएक्शन आ जाएंगे। तो बॉडीज को परेड कर दिया गया था? परेड नहीं करा है, ये गलत प्रचार है। 16 सिविल अस्पताल में ले गया गया, और बंद एम्बुलेंस में उनके परिवार वाले अपने घर पर ले गए। आप हॉस्पिटल में थे? मैं खुद हॉस्पिटल में था। क्या देखा आपने उस दिन? क्या देखना क्या था, जली हुई लाशें थी, दुख ही दुख था, आक्रंद था, रोज था। आप एमएलए थे, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा दंगे हुए नहीं कंपेयर टू बाकी जगहों में। अगर आप उस वक्त इंचार्ज होते, अगर आप राज्य होम मिनिस्टर होते, तो आप क्या करते अलग उस वक्त? देखिए, जो भी लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया था, मगर घटना के कारण रोष इतने व्यापक मात्रा में था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी थी, किसी को नहीं लगी थी, ना पुलिस को लगी थी ना किसी को लगी थी, और बाद में किसी के हाथ में ही नहीं रहा सर। और इस देखिए, इस बात पर अनेक अदालतों में, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के कमीशन में, सब जगह बहस हो चुकी है। ये मोदी जी को कोई पहली क्लीन चिट नहीं है, नानावटी कमीशन ने भी क्लीन चिट दी है, फिर भी एसआईटी बनाई गई, और मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे,
कि भी मेरे समर्थन में आ जाओ, गांव गांव से आओ, नहीं आते तो फिर एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, एक्स एमपी को बुला लो और धरना करो। पर क्यों नहीं गई बीजेपी, क्यों नहीं गई अब सपोर्ट? हम मानते थे कि हमें न्याय में सहयोग करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक एसआईटी काम कर रही है। एसआईटी अगर चाहती है मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल पूछना तो मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। किस चीज का आंदोलन करना है, आंदोलन किस चीज का करना है? ये न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे यहां कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं है। नहीं, दैट आई अग्री, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन हो रही थी, मतलब आपको आपके खिलाफ जो चल रहा था उस टाइम मीडिया ट्रायल या एनजीओ, उसके खिलाफ आंदोलन, क्या वो जस्टिफाइड नहीं था? देखिए, ट्रायल के खिलाफ, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन जस्टिफाइड नहीं होता है, क्योंकि हमारा व्यू था वो। वो व्यू सही तभी माना जाएगा जब न्याय की अदालत उस पर थप्पा मारे, मुझे जेल में डाल दिया, तो मैं तो कहता ही था मैं निर्दोष था। परंतु जब न्याय की अदालत ने कहा कि मुझ पर गलत केस किया गया, मुझे फंसाने के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड साजिश थी सीबीआई की, तब इस पर थप्पा लगता है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। उस वक्त लगा आपको कि पार्टी आपके साथ नहीं है? जरा भी नहीं लगा, पार्टी मेरे साथ ही थी। और आपको उस वक्त लगा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है कि आपको जेल में डाल दिया? मैं तो भाग्य मानता हूं। क्यों? मैं भाग्य में मानता हूं, और मेरा तो जिन्होंने भी किया भलाई ही किया है। तो ये आप समझते हैं कि आपकी भलाई में हुआ? नहीं, नहीं, जो हुआ भले के लिए हुआ, बाद में परिणाम अच्छे आए। आपको क्या लगा उस वक्त जब आप जेल में थे? तो कुछ नहीं लगता था, मैं लड़ाई लड़ने का निर्णय, आपको पता था कि आप बाहर निर्दोष निकल आए। जी, आज के इंटरव्यू का विषय मेरा केस नहीं है। आज के इंटरव्यू का विषय एक इतने बड़े पोटेंशियल लीडर पर, एक राज्य के मुख्यमंत्री पर। आप दोनों साथ थे सर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। 20 साल से आप दोनों एक साथ हैं, गुजरात से लेकर यहाँ तक, दिल्ली तक आना। आप दोनों लोग मोदी जी के साथ हैं, 25-25 साल से, 40-40 साल से। इस केस में केस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है नाते। पर ये रायट्स को लेकर जब भी किसी को सोचा जाता है, किसी के बारे में सोचा जाता है, आप दोनों के बारे में, हालांकि आप उस वक्त सिर्फ एक एमएलए थे, लेकिन इस लड़ाई में आप उनके साथ थे हमेशा। नहीं, तो लड़ाई मुझे लड़नी है, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है। मेरी पार्टी पर आरोप लगे, मेरे नेता पर आरोप लगे, मैं क्यों नहीं लड़ूंगा? पर ऑपोजिशन हमेशा कहती है कि दंगे आप करने देते हैं जब तक लोग डेथ टोल नहीं हो जाता, तब तक आप दंगे करने देते, क्योंकि इससे पॉलिटिकल फायदा होता है, पोलराइजेशन। बेन, आप भी वही कर रही हो जो 2003 में मीडिया ने किया था। आपके पास इतनी बड़ी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की कोई कम राज्यों में सरकार रही नहीं है। जहां जहां हमारी सरकार है वहां पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, सपा की भी थी, बसपा की भी थी, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों की भी है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का शासन का कालखंड और एवरेज दंगे और एवरेज हताहत होने वाले लोग और उनके कालखंड का आप निकाल दीजिए। आप मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं कह रहा, अगर हम स्पॉन्सर करते हैं तो दंगे ज्यादा होने चाहिए। दिखता नहीं है ना, वही तो वो कह रहे हैं कि आप जो स्पॉन्सर करते हैं देखना नहीं चाहते। आप देखना नहीं चाहते कि भाजपा के शासन में दंगे कम होते हैं। दंगे जब होते हैं, वो कह रहे हैं, ऑपोजिशन कहती है दंगों से फायदा होता है बीजेपी को, पोलराइजेशन से पॉलिटिकल फायदा होता है, इलेक्टोरल फायदा होता है। तो फिर हम ज्यादा कराते हैं, दंगे तो कम हो रहे हैं। मैं गुजरात पे वापस आती हूँ, क्योंकि आप गुजरात स्पेसिफिक इंटरव्यू आपने कहा कि आप और किसी चीज पर बात नहीं करना चाहते, सिर्फ गुजरात पर बात करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि अब आप 20 साल अगर आपको रिवर्स पे देखना पड़े तो क्या मोदी जी कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया? ऐसा है, सब कुछ किया है। मैं तो बहुत नजदीक से देख रहा था, इतने डिटेल में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने काम किया था। एक थाने की स्ट्रेंथ 100 पुलिस की होती है, 150 पुलिस की होती है, एडिशनल फोर्स लो तो 400 पुलिस की होगी, और 2,00,000 लोगों का जमघट है, क्या कर सकते हैं आप? इसको कंट्रोल करते करते समय लगता है। टियर गैस, लाठी चार्ज, ये सब हुआ है, फायरिंग हुआ है।
900 लोग फायरिंग में मारे गए तीसरे दिन, नहीं दूसरे दिन भी हुआ है, पहले दिन तो सवाल ही नहीं था, घटना थी, दूसरे दिन भी फायरिंग हुआ है, तीसरे दिन भी हुआ है, परंतु सरकार को भी व्यवस्थाएं करने में और जो स्केल बन गया उस स्केल को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे पूरा मालूम है, इस वक्त गिल साहब भी हमारे यहां आए थे हमारी मदद में, मोदी जी की सरकार की मदद में गिल साहब भी आए थे। गिल साहब के साथ मैंने भी डिनर करा है, उन्होंने कहा इससे ज्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा है। और उन्होंने पंजाब एक्शन देखा हुआ था। हाँ, कि इससे ज्यादा न्यूट्रल और प्रॉम्प्ट, दो शब्द प्रयोग थे, न्यूट्रल और प्रॉम्प्ट एक्शन मैंने मेरे जीवन में पुलिस की करियर में नहीं देखा है। फिर भी आरोप लगाए, गिल पर ही लगा दिया आरोप। अब जो पेटिशनर्स हैं वो कह रहे हैं उन्हें न्याय नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट के, जाकिया जाफरी, क्या उन्हें न्याय मिला है, आपको क्या लगता है? मैं निश्चित रूप से मानता हूं एक ही जजमेंट सेशन कोर्ट में आया, इसके खिलाफ आपने हाईकोर्ट में अपील की, हाईकोर्ट ने कड़ाई से, सेशन कोर्ट से ज्यादा कड़ाई से कहा, इसके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी कड़ाई से करा, फिर भी आप स्वीकार नहीं करते हो तो क्या कर सकते हैं। और दूसरा, डेट जिसने ली है इसका रिकॉर्ड न्याय की अदालतों में पड़ा हुआ है, देख लेना चाहिए जिसको भी इंटरेस्ट है, उसने हर बार एनजीओ ने डेट ली है, लंबा खींचना इश्यू को पेंडिंग रखना। क्यों? क्योंकि मोदी जी पर आरोप लगता रहे, तो जस्टिस वो नहीं चाहते थे, वो पॉलिटिकल वेंडेटा चाहते थे, क्या ये कह रहे हैं आप? पॉलिटिकल गेन चाहते थे, पॉलिटिकल गेन। मैं जाकिया जी की बात नहीं कर रहा, जो एनजीओ साथ में लगे थे, जो पॉलिटिकल पार्टियां एनजीओ को फंडिंग कर रही थी और जो मीडिया के ग्रुप एनजीओ को प्रसिद्धि दे रहे थे, वो लोग। सर मुझे बताइए कि 2002 के बाद और इस न्यायिक प्रक्रिया के बाद क्या लेसन्स हैं, क्योंकि मंथन तो होता है आपकी पार्टी में और गवर्नमेंट में भी, सरकार में भी, तो क्या लेसन्स आप सीख चुके हैं इससे, क्या कि ऐसे अब कभी ना हो? ढेर सारे सुझाव आए हैं, वो सारे सुझाव मैं ही गृह मंत्री था, मोदी जी ही मुख्यमंत्री थे, गुजरात पुलिस ने अपनी कार्यपद्धति के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बदले गए हैं, सूचना प्राप्त करने की पद्धति को भी बदला गया है, सूचना का ग्रेडेशन करने की नई सिस्टम इवॉल्व कर दी गई है, और सूचना ग्रेडेशन करने के बाद इसके अनुरूप एक्शन क्या होंगे इसकी भी एक SOP बनाई गई है। इसलिए 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है। सेंटर स्टेट में जो तालमेल होना चाहिए रायट्स कंट्रोल करने के लिए, क्या उसे फाइन ट्यूनिंग मुझे लगता है व्यवस्था ठीक है, अभी जो व्यवस्था है वो ठीक है, क्योंकि अभी जो हमने देखे थे जो अग्निपथ जो स्कीम है उसके कारण जो दंगे हुए थे, हाँ वायलेंस में लोग मरे नहीं लेकिन काफी देर तक इनएक्शन था, तो इसमें फिर वो स्टेट्स की बात हो जाती है। ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना स्टेट की जिम्मेदारी है, भारत सरकार सहयोग कर सकती है, स्टेट की डिमांड पर सहयोग कर सकती है, और जब स्टेट को लगता है कि हमारी स्टेट की मशीनरी कम पड़ रही है या तो हमें ज्यादा मैन पावर चाहिए जो स्टेट के पास उपलब्ध नहीं है, तो रिजर्व फोर्स में से भारत सरकार की मैन पावर जाता है। ये व्यवस्था बहुत परफेक्ट है और हर स्टेट में कमोबेश भारत सरकार के CAPF के बटालियन लगे हुए हैं, तो कहीं और से नहीं लाना है, मानो बिहार है तो SSB हमारी तुरंत घंटों में पहुंच सकती है। पर उसमें भी कहा जाता है कि पॉलिटिकली हो जाता है मोटिवेट, जैसे ममता जी कहती हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल आदेश पर काम करते हैं। स्मिताबेन ममता जी को ना आप समझा सकते हो ना मैं समझा सकता हूँ, छोड़िए इसके आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे तय होगा, पॉलिटिकल बातें करने के लिए हर एक को इस देश में स्वतंत्रता है। जी आपका कोई आज जब ये रूलिंग आई है तो आप एक बार और पूछूंगी मैं कि आपको कैसे महसूस हो रहा है आज के? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, मोदी जी को बहुत सारे बदनामी झेलते हुए मैंने देखा है,
मोदी जी पे बहुत सारे झूठ और झूठे आरोप मरते हुए, निर्लज्जता से मरते हुए मैंने देखा है। इसके बावजूद भी संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ये बोल्ड स्टैंड लेते हुए मैंने देखा है और 18 साल धैर्य रखते हुए देखा है और 18 साल के बाद आज विजयी होते हुए भी मैंने देखा है। मुझे तो बड़ा संतोष है कि सार्वजनिक जीवन में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि आरोप कितना भी झूठा हो, आप उसको न्याय की अदालत ही तय कर सकती है सच है या झूठ है, तब तक धैर्य रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन ये भी था कि उस वक्त की सरकार ने दंगा रोकने का प्रयास नहीं किया, और ये भी कि कुछ विटनेसेस जो हैं वो ऐसे जवाब दे रहे थे जैसे कि डिक्टेशन दे रहे हैं उन्हें, दोनों चीजें ऑब्जर्व किए गए। देखिए, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो एनजीओ के एफिडेविट के आधार पर किया था। इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई थी, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और आज जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक कोशिश की, राज्य सरकार ने उचित समय पर उचित कार्यवाही कर कम नुकसान में दंगों को समाप्त किया और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई विटनेस प्रोटेक्शन की स्कीम को पूरा का पूरा फुल स्टॉप कॉमा में पूरा किया है। तो इसीलिए कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस किया है? सवाल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने का। आप आरोप लगाने के लिए तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, परंतु आप जजमेंट पड़ेगी, मेरे हिसाब से 300 से ज्यादा पेज का जजमेंट है और हर आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने गोलमोल नहीं किया है, डील किया है, किस आधार पर ये करा है। सामने से श्री कपिल सिब्बल ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, ऐसा नहीं है, ये इतने सालों से लड़ा जाने वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक केस चला है और हर बार पूरे पूरे दिन सुनवाइयां हुई है। ये तीनों बातों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने भरसक कोशिश की, उचित समय पर उचित निर्णय लेकर इसको कम नुकसान में दंगों को समाप्त करा और जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े बहुत अमेंडमेंट कर अप्रूव करी थी, इसको फुल स्टॉप कॉमा में स्पिरिट के साथ लागू किया है। और मोदी जी के लिए भी कहा कि मोदी जी ने बार बार दंगा रोकने के लिए मीटिंगें भी करी, अपीलें भी करी, सार्वजनिक अपीलें भी करी और स्थान पर भी गए, ये सभी चीजों का आज सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है। तो मैं मानता हूं कि एक भी आरोप जो एनजीओ ने लगा था वो टीका नहीं है, मोदी जी बिल्कुल कोई आरोप के बगैर पूरी बात से आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाहर आ गए हैं और आज सत्य का विजय हुआ है। मीडिया और एनजीओज, इन दोनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आप एक बार अगर आप कहें कि आप व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रोल और क्या रोल मीडिया ने नेगेटिव पॉजिटिव, एनजीओज ने नेगेटिव पॉजिटिव क्या किया? नहीं, त्रिकूट है, सिर्फ मीडिया और एनजीओ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियां भी जो एनजीओ को नर्स करती है वो भी है, आप इसको मत छोड़िए। तो आप व्हाट डू यू थिंक कि क्या इससे कोई लर्निंग लेसंस मिलेंगे? मैं तो मानता हूं ये देखकर सबने आत्मचिंतन करना चाहिए। धन्यवाद।